कैसा होगा सलमान, अक्षय और अजय का ट्रियो? क्या नया देखने को मिलेगा इस बार? क्या भाईजान बचा पाएंगे अपने देश को? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। त्रिदेव एक ऐसी फिल्म थी जिसमें हमने सनी देओल, जैकी श्रॉफ और नसीरुद्दीन शाह जैसे पावरफुल ट्रियो देखने को मिला था। साथ ही बाप ऑफ द बॉलीवुड यानी अमरीश पुरी विलन के अवतार में थे और माधुरी दीक्षित, सोनम और संगीता बिजलानी जैसी अदाकाराओं ने फिल्म में अपनी ब्यूटी और सिजलिंग अदाओं से सबको दीवाना कर दिया था। त्रिदेव एक ऐसी कल्ट क्लासी फिल्म थी जिसमें हमने तीन लव स्टोरियां देखी। तीन अलग अलग जगहों से आके हीरोज को एक ही विलन से बदला लेने के लिए एक साथ आते हुए देखा। एक ऐसा खतरनाक डाकू देखा जिसे पकड़ने के लिए तीनों हीरोज की जरूरत पड़ी और फिल्म के एवरग्रीन गाने और ना भूले जा सकने वाले ऐसे डायलॉग्स ने 90s किड्स का चाइल्डहुड और भी खास बना दिया था। अब इसी आइकॉनिक फिल्म का रीमेक बनने जा रहा है, लेकिन रवि राय ने ये दावा किया है कि इस बार नाम वही होगा और कहानी नई होगी, यानी इस बार रिश्ते वही और सोच नई होने वाली है। त्रिदेव का एक ऐसा देव तो तय है यानी सलमान खान इस फिल्म में एक लीड होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ही राजीव राय को ये फिल्म बनाने के लिए इंसिस्ट किया था। अब अगर हम बाकी के देवों की बात करें यानी बाकी के लीड्स की बात करें तो सलमान के अलावा मोस्ट प्रोबेबली खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय और बॉलीवुड के सिंघम यानी अजय देवगन भी फिल्म में भाईजान के साथ नजर आने वाले हैं। यानी कि त्रिदेव 2 में हमें दबंग खिलाड़ी और सिंघम एक साथ एक ही कहानी में नजर आने वाले हैं। अब जब तक कि तीनों दमदार खिलाड़ी एक साथ नजर आएंगे तो फिल्म का एक्शन कितना हवाई लेवल का होगा ये तो हम सोच ही सकते हैं। अगर हम इस पुराने नाम के साथ आ रही नई कहानी की बात करें तो जैसे कि ओरिजिनल में लोगों को परेशान करने वाले डाकू भोजंगा को पकड़ा गया था, वैसे ही इस बार किसी अंडरवर्ल्ड डॉन को पकड़ने के लिए ये तीनों एक साथ आएंगे। भाईजान हमें अंडरकवर एजेंट की तरह नजर आ सकते हैं। अक्षय उसी गैंग के डॉन का हिस्सा होंगे जिनका लाइफ मिशन है उस डॉन को खत्म करना, और इसके लिए वो सलमान के साथ हाथ मिलाएंगे। और अगर हम अजय के किरदार की बात करें तो वो हमें इंटरपोल के हेड या चीफ के रूप में नजर आ सकते हैं, क्योंकि ये डॉन सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनली वांटेड है, जिसने ड्रग्स, अल्कोहल, बच्चों की तस्करी और अब तो ये खतरनाक गैंग वॉर के हथियारों की भी स्मगलिंग कर रहा है। सिनेरियो कुछ ऐसा हो सकता है कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 का आगमन हो रहा है और ये गैंगस्टर इंडिया के कीमती हथियारों की स्मगलिंग दुश्मनों को कर रहा है, और इसी को पकड़ने के लिए सलमान और अजय को अपॉइंट किया गया है और अक्षय उनके गैंग के अंदर की खबरें लाकर देते हैं। ऐसी कहानी में एक्शन तो हॉलीवुड मूवीज को भी पीछे छोड़ देगा, ऐसा होगा। और अब तो इंडियन फिल्मों में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, CGI, VFX, एनिमेशंस और साथ ही और भी कई ट्रिक्स का इस्तेमाल करके एक्शन सीन को और भी बेहतरीन बनाया जा रहा है। साथ ही पूरी फिल्म को 2D या 3D में शूट करना भी पॉसिबल है, तो ये फिल्म हमें 3D में भी देखने को मिल सकती है। और साथ ही ये राजीव राय की फिल्म है जो कहानी में सस्पेंस, मिस्ट्री और थ्रिलर क्रिएट करने में एक्सपर्ट है। हम आखिर तक ये अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएंगे कि आखिर आगे होने क्या वाला है, और कई बार तो हमें ऐसा भी लगेगा कि ये तीनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं या इसमें से ही कोई एक है जो डॉन है। और अगर हम अंडरवर्ल्ड के खतरनाक डॉन की बात करें तो उनका किरदार मिस्टीरियस होगा, किसी ने उसे आज तक नहीं देखा, इसलिए वो कौन है ये बात फिल्म में सस्पेंस क्रिएट करेगी। फिल्म में क्राइम, मिस्ट्री, एक्शन के साथ साथ कॉमेडी और रोमांस का भी तड़का लगाया जाएगा, और इस बार फीमेल लीड से भी हम एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक एक्शन पैकेज मूवी है। कुछ भी करके भाईजान को अपने साथियों के साथ मिलकर अपने देश को बचाना ही होगा, क्योंकि इस क्राइम लोड के क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं और ये देश के लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। अब ये देखना इंटरेस्टेड होगा कि इस मोस्ट वांटेड डॉन को पकड़ने के लिए ये त्रिदेव की टीम कौन सा जाल बिछाती है, और हम इस फिल्म में टेक्नोलॉजी का भी तड़का देखेंगे। अब आपको क्या लगता है कि आखिर में ये खतरनाक डॉन पकड़ा जाएगा? इसके साथ ही क्या आप सलमान, अजय और अक्षय को एक साथ देखना पसंद करेंगे, और कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा,
और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।